निश्चय प्रेम प्रतीति ते। जय सियाराम दोस्तों। तो अभी पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ और किन के सामने खड़ा हूँ? वेल, दिखाता हूँ, सॉरी दिखाता नहीं हूँ, दर्शन कराता हूँ। के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। वेल दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। अपने 28 घंटे ट्रेन जर्नी के बाद मैं पहुंच जाता हूँ काठगोदाम, और इसी ट्रेन में मेरी मुलाकात होती है जोशी अंकल और आंटी जी से। अंकल जी के बारे में डिटेल में जानना है तो पिछले वाले वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद काठगोदाम उतरने के बाद अंकल जी थोड़ी देर अपने रिलेटिव के यहाँ रुकते हैं, एंड देन हम घोड़ा खाल के लिए निकल जाते हैं जहाँ अंकल जी का घर है। 30 से 40 मिनट के बाद और सुंदर सुंदर पहाड़ों से व्यू देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अंकल जी का घर। और यहाँ का वेदर क्या ही प्यारा हो रखा था। और रात में आंटी जी के हाथ का खाना खाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर रेडी हो जाता हूँ। गाइस, मैं रुका हूँ ना, उस लोकेशन का कोई जवाब नहीं है, हेवन से कम नहीं है। दिखाता हूँ, 1 2 3। वो देखो, वो भीमताल लेक है। मस्त व्यू आ रहा है और आज का जो मौसम है ना, काफी अच्छा हो रखा है। और ये देखो, आंटी जी ने नाश्ता भी रेडी करके रखा है। और फिर निकल जाता हूँ बाबा से मिलने के लिए कैंची धाम। रास्ते में मुझे कैमरा माउंट करवाना था स्कूटी पे, क्योंकि पहाड़ों में नो रिस्क। पेट्रोल भी फिल अप हो गया, लेट्स गो। और 10 किलोमीटर कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। वेल गाइस, मैं बता दूं, ये ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ना, एक्चुअली ये ट्रिप स्टार्ट होने वाला था नासिक से, बट ट्रिप स्टार्ट करने के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मुझे नीम करोली बाबा कैंची धाम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल आ रहा था मन में, कि मतलब सिंपल बोलूँ तो मुझे अपने ट्रिप वहीं से स्टार्ट करना है। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बोल सकते हो, डेली बाबा का मन में ख्याल आ रहा था, मतलब ध्यान आ रहा था कि मुझे अपनी ट्रिप वहीं से स्टार्ट करना है। एंड सडनली मैंने अपना सारा प्लान नासिक का कैंसिल किया एंड ऑल, एंड यहाँ का टिकट निकाला फटाफट, एंड फटाफट पहुँच भी गया। एंड अभी मैं सामने खड़ा हूँ, देख सकते हो नीम करोली बाबा का मंदिर है और यहाँ मैं खड़ा हूँ। एंड मैं अपनी मतलब हैप्पीनेस जाहिर नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ, सिंपल बता सकता हूँ आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हो आप, मैं हाँफ भी रहा हूँ, हल्का हल्का, ये हाँफ नहीं रहा, मैं तो अपनी मतलब खुशी जाहिर कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा हो रहा है। और ये ट्रिप स्टार्ट हो रही है 120 डेज ऑफ ड्रीमिंग नैनीताल से ही, नैनीताल उत्तराखंड के कैंची धाम आश्रम से ही स्टार्ट हो रही है वाला। वेल गाइस, दर्शन तो हो गया, बट अभी मैं उस जगह पे जाने वाला हूँ जहाँ पर बाबा तब जाते थे जब मंदिर के पास ना काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और लोग आते थे, एंड बाबा को भीड़ थोड़ा पसंद नहीं थी, तो लोग बाबा इस मंदिर से चले जाते थे अपने दूसरे मंदिर पर। और बाबा का आई थिंक, श्योर नहीं हूँ मैं, वहाँ पानी भी पीने के लिए आया करता था, उसी मंदिर से बाबा को आया करता था। वो मंदिर कहाँ है वो अभी भैया आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे वो मंदिर कहाँ पर। आइए भैया, वो मंदिर कहाँ पे बता दो आप, इधर 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 खड़ा हो, इधर वो मंदिर यहाँ से, इधर देखे वो मंदिर यहाँ से कैंची धाम से यहाँ पे खड़ा हो जाओ ना, हल्का थोड़ा आगे, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, अब बोलो। वो मंदिर यहाँ से कैंची धाम से कम किलोमीटर है आपका, 5-6 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर है, और भूमियाधार धाम है, भूमियाधार मंदिर। थैंक यू। वैसे मुझे बाबा के इस मंदिर के बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन जब बारिश हो रही थी तो मैं इनके इस वैन में आके बैठ जाता हूँ। इस तेज बारिश स्टार्ट हो गई और मैं कहाँ बैठा हूँ, देखो ये जहाँ भी मैंने मकई खाया ना, भुट्टा खाया ना, उसी अंकल का एक वैन है, वैन बोल सकते हो, बट ये कवाड़ है जैसा है, मैं बैठा हूँ। बारिश के बंद होने के बाद भैया से मेरी थोड़ी बातचीत होती है बाबा के दूसरे मंदिर के बारे में। अब देर किस बात की है, ये भैया मेरे साथ मंदिर तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भूमियाधार मंदिर है, तो वहाँ बाबा रहा करते थे जब यहाँ पर ना थोड़ा सा बाबा मतलब क्राउड फील करते थे, भीड़ होता था उनको, तो बाबा वहाँ चले जाते थे। तो गाइस, अभी मैं वहीं जाने वाला हूँ, चलते हैं जहाँ पे भैया ने बताया कि एक और मंदिर है बाबा नीम करोली का, जहाँ बाबा वहाँ रहा करते थे बाबा का एक्चुअल मंदिर बनने से पहले। तो चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, फटाफट भैया के साथ। ये देखो भैया मेरे साथ बैठे हैं, भैया का नाम है मनोज।
तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी को एंड ट्रिप पे बने रहना। 120 दिन काफी मजा आने वाला है। दिस इज जस्ट बिगनिंग एंड अभी फर्स्ट डे ही है, अभी 120 दिन कंप्लीट करना है। काफी एडवेंचर, काफी ड्रीमिंग होने वाला है, काफी स्ट्रगल भी देखोगे आप मेरा एंड ऑल। तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू तो करते हैं, बट ये मंदिर 5 किलोमीटर तो नहीं, लगभग 12 किलोमीटर दूर है कैंची धाम से। वाकई में यहाँ पहुंचने के बाद एक अलग ही सुकून मिला। इस मंदिर के अंदर एक छोटा सा रूम है जहाँ बाबा रहा करते थे और अंदर फोटो वीडियो लेना कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बाबा यहीं कहीं आसपास है मेरे। काफी सुकून सा फील हुआ यहाँ पहुंचने के बाद। इसी सुकून की जो तलाश थी, इसके लिए मैंने इस ट्रिप का नाम रखा 120 डेज ऑफ ड्रीमिंग, जहाँ डेली कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा और रियल लाइफ के बारे में और कुछ ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। बाय बाय दोस्तों।